हेलो फ्रेंड्स, आई विनोद यादव वेलकम यू अगेन ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बीआईएन केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में भी मैं 12th क्लास का जो आपका आखिरी चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसका टॉपिक चल रहा था टाइप ऑफ मेडिसिन, उसको कंटिन्यू करूंगा और अब इस लेक्चर के साथ आपका मेडिसिन वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ मेडिसिन में आपकी जो अगले टाइप की मेडिसिन है वो एंटी माइक्रोबियल्स, जैसा कि नाम ही बता रहा है एंटी माइक्रोब्स। माइक्रोब्स ही कौन सा माइक्रोब्स? हार्मफुल माइक्रोब्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेसिस ऑफ लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग सर्फेसिस। ओके, तो सिंपल सी डेफिनेशन है द केमिकल्स विच आर यूज अगेंस्ट द ग्रोथ और द केमिकल किल्स द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेसिस ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स आर नोन एज एंटी माइक्रोबियल्स। अब इन एंटी माइक्रोबियल्स को आप किसके ऊपर यूज कर रहे हैं, लिविंग बींग के सर्फेस पे यूज कर रहे हैं या नो लिविंग सर्फेस के ऊपर यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एंटीसेप्टिक्स, एक होते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं। एंटीसेप्टिक्स आर दोज केमिकल्स विच आर यूज टू स्टॉप द ग्रोथ और यूज टू किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक योर स्किन, यू कैन से लाइक दिस। ओके, एंटीसेप्टिक कितनी तरह के एंटीसेप्टिक हम लोग यूज करते हैं, डेटोल है, सेवलोन है, बाइथायोनल है, टिंचर ऑफ आयोडीन है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन है और 0.2% फिनोल है। अब देखिए ये तो एग्जाम्पल आप तब देंगे जो एंटीसेप्टिक को पूछे आपसे, या इन एग्जाम्पल को आप इनमें भी दे सकते हैं, पर इसमें एंटीसेप्टिक में से कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जो आमतौर पर आ जाते हैं एग्जाम में। जैसे एग्जामिनर कभी आप पूछता है कि यू हैव टू नेम द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डेटॉल, कई बार आया क्वेश्चन, इन्हें लर्न करना आपने। क्लोरोक्सिलिनोल एंड अल्फा टारपिनियोल फॉर द स्ट्रक्चर्स यू कंसिडर योर बुक। ओके, नोबडी विल आस्क यू टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज टू, एटलीस्ट यू मस्ट नो द नेम्स ऑफ दीज टू केमिकल्स विच आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डेटॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता रहता है जो व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन, इट इज एन एंटीसेप्टिक, इतना लिखा होगा तो हाफ मार्क ही देगा, पर प्रॉपर इसका केमिकल कंपोजिशन बता क्या हो गए, इट इज ए 2-3% सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर, दिस इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। दूसरा है पानी की स्टरलाइजेशन में कौन सा केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहाने के साबुन के अंदर कौन सा एंटीसेप्टिक यूज होता है, वो होता है बाइथायोनल, कौन सा होता है बाइथायोनल। ठीक है जी, दूसरा जो एंटी माइक्रोबियल होता है आपका डिसइंफेक्टेंट, ये इसका उल्टा हो जाएगा, इनका इस्तेमाल कहां किया था हमने, लिविंग बींग के सर्फेसिस के ऊपर किया था। इनका इस्तेमाल कहां करते हैं हम लोग, इनका इस्तेमाल करते हैं नॉन लिविंग सर्फेसिस को साफ करने के लिए, जैसे आपकी मम्मी पोचा मारने के लिए जो पानी का इस्तेमाल करती है उसके अंदर कोई केमिकल डालती होगी ताकि आपके फर्श के ऊपर या स्लैब के ऊपर जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो जाएं, तो दे आर नोन एज डिसइंफेक्टेंट्स द केमिकल्स विच आर यूज्ड टू स्टॉप द ग्रोथ और टू किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेसिस ऑफ नॉन लिविंग बींग्स। एग्जाम्पल में फिनाइल सोल्यूशन, क्रेसोल सोल्यूशन, 1-2% फिनोल। अब एक बात देखिए, इन दोनों में जो फिनोल है वो दोनों में लिखा है मैंने, बस क्या है कंसेंट्रेशन अलग अलग है, इसकी एंटीसेप्टिक की तरह इस्तेमाल होता है 0.2% और डिसइंफेक्टेंट की तरह इस्तेमाल होता है 1-2% फिनोल। तो एक क्वेश्चन और बन जाता है इनमें से कि यू हैव टू नेम ए केमिकल विद कंसेंट्रेशन विच कैन बी यूज्ड एज बोथ एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट, ये भी कई बार आया हुआ एग्जाम में, तो वहां पर लिख के आएंगे 0.2% फिनोल इज एक्ट एज एंटीसेप्टिक वाइल 1-2% फिनोल एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट। तो दीज आर दी क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू एंटी माइक्रोबियल्स। ठीक है जी, और आपके अगले टाइप के जो मेडिसिन है उनका नाम है एंटीबायोटिक्स। कई बार आपने नाम सुना होगा भाई एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक, देखिए एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं? एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि किसी खास तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से डराइव किए जाते हैं और फिर उनका इस्तेमाल दूसरे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खात्मे के लिए किया जाता है। ओके, सिंपल डेफिनेशन, आई थिंक यू अंडरस्टूड, द केमिकल्स विच आर डेराइव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड अगेंस्ट अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर लिविंग बींग्स। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। यहां से क्वेश्चन आता है
कि सर पहली एंटीबायोटिक कौन सी डिस्कवर हुई थी? पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर थी पेनिसिलिन, कब हुई थी? 1905 के अंदर। किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ये याद रखेंगे इस बात को आप लोग, ठीक है। दूसरा, इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। देखिए कुल मिला के ये चार तरह की होती है आपकी एंटीबायोटिक्स। एक का नाम है बैक्टेरिसाइडल, एक का नाम है बैक्टीरियोस्टैटिक, एक का नाम है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और एक का नाम है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। बैक्टेरिसाइडल एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देती हैं, विच किल्स द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली हार्मफुल बैक्टीरिया। एग्जाम्पल याद रखना, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑफ्लॉक्सिन, ओके, याद रखना इन चीजों को। बैक्टीरियोस्टैटिक ये तो मार देती, दे किल द हार्मफुल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दे स्टॉप द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स आर दोज एंटीबायोटिक विच प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल। एक है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर दोज एंटीबायोटिक्स विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट ए लार्ज क्लास ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हिंदी में अगर मैं बात करूं, एक ही एंटीबायोटिक की मदद से आप कई तरह के, अलग अलग तरह के हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह लो या बैक्टीरिया कह लो को आप खत्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, क्लोरामफेनिकोल, कौन सा? क्लोरामफेनिकोल। एक है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ये इसका उल्टा हो जाएगा। यहां पहले कहा था एक ही तरह की एंटीबायोटिक ब्रॉड लेवल पे काम करती है, कई तरह के माइक्रोब्स को खत्म करती है, ब्रॉड नैरो का उल्टा हो जाएगा, क्लियर। तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर दोज एंटीबायोटिक विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट ए लिमिटेड क्लास ऑफ बैक्टीरिया और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल याद रखना, पेनिसिलिन, डेफिनेशन आ भी सकती है, अदरवाइज एग्जाम्पल तो पूछता है एग्जाम्पल आपसे, ठीक है। अभी आपका खत्म नहीं हुआ, अभी एक टाइप की मेडिसिन और बच रही है आपकी, और लास्ट तरह की आपकी मेडिसिन है एनाल्जेसिक्स। देखिए एनाल्जेसिक्स क्या होती हैं? दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड व्हेन योर बॉडी इज इन ह्यूज पेन। आई कैन राइट डाउन इट्स डेफिनेशन, दे आर पेन रिलीविंग मेडिसिन, दे आर पेन रिलीविंग मेडिसिन। जो दवाइयां बॉडी के दर्द को दूर करती हैं, दे आर सिंपली नोन एज एनाल्जेसिक मेडिसिन, सिंपल डेफिनेशन। अब देखिए ये दो तरह से क्लासिफाई की गई हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स की वो आदत बनती है या नहीं बनती है पेशेंट को। अब जो एनाल्जेसिक आदत बन जाती है कि एक बार उनको लेने में मजा आ गया, उनको फिर सही होने के बाद उसको लेते रहेंगे, लत पड़ जाती है उनको, तो सच एनाल्जेसिक्स आर नॉन एज नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। कौन सी एनाल्जेसिक्स? नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। जैसे एग्जांपल में ओपीएम याद रखिएगा, हेरोइन याद रखिएगा, ये ड्रग्स हैं। आप सही मायने में अगर सोशली में बात करता हूं, दीज आर ड्रग्स। और दूसरी होती है विच आर नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स, दे आर नॉन एज नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, जो डॉक्टर हमें देते हैं, जैसे कि पैरासिटामोल है और एस्पिरिन है। और यहां मैंने बताया था कि आजकल डॉक्टर पैरासिटामोल को प्रेफरेंस देते हैं एस्पिरिन, क्योंकि एस्पिरिन क्या करता है, हार्डलिसिस हो जाता है इसका स्टोमक में जाके, और कौन सी एसिड बनाता है, मतलब सैलिसिलिक एसिड। और अगर पेट में आपकी बनेगी सैलिसिलिक एसिड, इट कैन कॉज अल्सर्स। लेकिन इसका यूज भी है, इसका यूज ये है कि हार्ट अटैक से बचाती है एस्पिरिन। एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, विच एनाल्जेसिक प्रिवेंट हार्ट अटैक, तो याद रखे एस्पिरिन। एंड विच एनाल्जेसिक इज मेनली प्रेफरेंस बाय डॉक्टर्स, इट इज पैरासिटामोल, ओके। और ये नॉन एडिक्टिव होती है, कोई आदत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आपका ये जो लेक्चर था मेडिसिन वाला पार्ट मेरी तरह से पूरी तरह खत्म हो चुका है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल विन केमिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।